नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रांड मेकिंग न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त खबर बागरमा उन्नाव से आ रही है, जहां पर मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल रजाक मंसूरी ने आज हरदोई उन्नाव मार्ग पर स्थित एक ढाबे पर किया पत्रकार वार्ता। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल रजाक मंसूरी ने आज हरदोई उन्नाव मार्ग पर स्थित एक ढाबे पर पत्रकार वार्ता में कहा, दलित मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग समाज की बेहतरी के लिए मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी समय से कार्य कर रहा है और भविष्य में भी कार्य करता रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि समाज की अभी तक भारी उपेक्षा होती रही है, इसलिए समाज के विकास के लिए, इनके बेहतर भविष्य के लिए जो भी प्रयास संभव रहेंगे वो किए जाएंगे। उन्होंने कहा राजनीतिक भागीदारी हासिल करने के लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही बताया कि आगामी 11 मार्च को मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी आरफीन मंसूरी क्षेत्र का दौरा करने आ रहे हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि समाज के साथ अभी तक जो जोर जुल्म जाती होती रही, अब उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखते हुए किया जा रहा है? नहीं, हमारा चल रहा है 2022, देखते हुए नहीं किया जा रहा। जागरूक तो करने के समय से मेरा चल रहा है और ये यहाँ भी अभी तक हमारे यहाँ बांगरमऊ में ये विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो अब ये हमारा बांगरमऊ विधानसभा के अंदर दलित पिछड़ा वर्ग का एक सम्मेलन हम करने की तैयारी कर रहे हैं, उसी की समीक्षा के लिए खास तौर से वो यहाँ। क्या मंसूरी समाज 2022 में अपने प्रत्याशी उतारेगा? हो सकता है उतारे, क्योंकि क्या मुख्य मुद्दा रहेगा? हमारा मुख्य मुद्दा ये रहेगा, नंबर एक मुद्दा हमारा यहाँ पर जो है कि जो जुल्म और अत्याचार के खिलाफ हमेशा यहाँ MLA विधायकों ने किया, गरीबों के साथ ना करके जो जुल्म होते रहे, अत्याचार होते रहे, उनसे मुक्त कराने का नंबर एक का हमारा प्रोसीजर रहेगा यहाँ पर। और भ्रष्ट जो लोग भी यहाँ पर अधिकारी नुकसान पहुँचाते हैं किसानों को, वो रहेगा और विकास का मुद्दा रहेगा। कि जैसा कि आपने कहा यहाँ के नेताओं ने भ्रष्ट और अत्याचारी है, वो आप किसका किधर इशारा है आपका, किस पार्टी का, यहाँ के विधायक का कि यहाँ के साक्षी महाराज? लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।